गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। सो गाइस, जय श्याम के 4 बजे का टाइम है और शाम की जो है चाय पीने का बिल्कुल टाइम हो गया है। तो आज का वीडियो जो है चाय से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चाय मेरी बन गई है, तो मेरे लिए मैंने यहाँ पर चाय छान ली है और मिष्टी के लिए भी थोड़ी छान दी है। इसमें थोड़ा सा दूध मिला दूँगी तो उसको दूध मिला करके चाय दे दूँगी तो उसकी दूध चाय बन जाएगी। और अभी सर्दियाँ हैं भाई, तो सर्दियों में तो मैं पूरा बड़ा सारा कप भर के ही चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सच में मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है अदरक वाली चाय। तो आराम से बैठ करके यहाँ पर मैं पीऊँगी अपनी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अच्छा, कमेंट में बताना कि किस किस को अच्छी खासी चाय पसंद है, वो भी अदरक वाली। और सच में हम लोगों से तो यार गर्मियों में ही नहीं छूटती है चाय, तो फिर सर्दियों में तो क्या ही छूटेगी। दो टाइम तो मैं जो ये मेरा बड़ा वाला कप है इसको भर कर ही चाय पीती हूँ। तो ये एक गलत हैबिट भी है मेरी कि इतनी हमें इतनी सारी चाय नहीं पीनी चाहिए, पर जो लोग चाय पसंद करते ना उनको तो अच्छी लगती है। छोटे कप से काम नहीं चलता है, तो यहाँ पर आराम से बैठ करके चाय पी। चाय पीने के बाद सबसे पहले आ गई हूँ इस रूम को थोड़ा सा सेट करने के लिए, क्योंकि हमारे सोफ़ा कवर वगैरह बिल्कुल बच्चे ख़राब कर ही देते हैं, तो इनको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूँगी। और सोफ़ा बिल्कुल थोड़ा सा ना, इसकी कंडीशन बड़ी सीरियस चल रही है आजकल हमारी, ख़राब हो गया ये। इसके नीचे की जो गद्दियाँ हैं ये बिल्कुल नीचे की तरफ धंसने लग गई हैं, और अब इसको सही कराने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि कि ये लगता है कि इसमें वेस्ट ऑफ मनी ही है अगर सही कराएंगे तो भी। तो जब तक चलेगा जब तक चलाएंगे। और आ गई हूँ ये अपने अंदर वाले रूम में, तो यहाँ पर जितने भी सारे ये ब्लैंकेट्स फैले हुए हैं, क्योंकि भृगु सोया था तो वो उठने के बाद बड़े ड्रामे कर रहा है, वो उठ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं जितने भी ये दो ब्लैंकेट्स पड़े हुए थे तो इन दोनों दोनों ब्लैंकेट्स को घड़ी करके रख दूंगी। और भृगु की मस्ती चालू हो गई है, वो पहले तो कह रहा था टीवी में ये लगाओ वो लगाओ, और अभी उसको यहाँ पर जैकेट पहना रही हूँ क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा है अंदर। खैर मैं बच्चों को इनर पहना ही देती हूँ, पर फिर भी अब ये गरम जैकेट ज़्यादा गरम वाली ही पहनाती हूँ, क्योंकि के अभी ठंड कुछ ज़्यादा है। और बस यहाँ पर भृगु को तैयार कर दिया है, तो भृगु को तैयार करा है घर में ही, कहीं जाने के लिए नहीं, तो वो बैठ गया है टीवी देखने के लिए। और यहाँ पर मैंने अंदर वाले रूम का जो है झाड़ू लगा दिया है, अब आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। और मिष्टी देखिए साइड में बैठ करके पढ़ाई करने में लग रही है, क्योंकि जो इसका हॉलीडे वर्क है वो अभी तक भी इसने पूरा नहीं करा है, और इतनी सारी छुट्टियाँ जो इसकी निकल गई हैं ऐसे ही। पर फिर भी ना बच्चे होते हैं ना केयरलेस होते हैं थोड़ा सा, आप कितना ही इनको फोर्सफुली बोल दो कि भाई तो अपना हॉलीडे वर्क कर ले, क्योंकि क्या अब तेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो अब उसको लास्ट टाइम पे जाकर के याद आया है, तो ये बार बार ना मेरा मेरे भी पीछे पड़ी रहती है, मम्मी इसमें क्या है, क्या होगा इसमें, क्या होगा। और अब ये लास्ट टाइम पे जाके ना इसका ये जो है वर्क करने के लिए बैठ गई है। तो मेरे यहाँ पर इस वाले रूम की जो है झाड़ू लगा, तो ये देखिए मिष्टी की ड्राइंग। और यहाँ पर चढ़ा दिए हैं मैंने अपने कुकर में आलू, तो उसमें सीटी आ गई है। और आ गई हूँ वापस से रूम में, क्या रसोई में, ऐसे कुछ भी वॉइस ओवर करते ना तो मुंह में से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो आप देख रहे हैं ढेर सारे बर्तन, तो इन सारे जितने भी सारे बर्तनों बर्तन हैं इनको अच्छे से अरेंज कर दूंगी। और सच में मेरी ये बास्केट कितना इसको खाली कर लो फिर भी ये जितनी बार बर्तन मचते हैं उतनी बार वापस से लबालब भर जाती है। और सच में इतना ज़्यादा आलस आता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा आलस कुछ चीज़ें हैं जो काम होते हैं ना उनको करने में आता है, जैसे बर्तन जमाने में भी मुझे बड़ा आलस आता है, एक कपड़े धो तो लो पर उसको सुखाने में भी बड़ा आलस आता है। और सबसे बुरा काम लगता है कपड़ों को इस्त्री करना, सच में मुझे प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कपड़ों में, तो ये होता ही है यार कुछ काम जो होते हैं ना पसंद नहीं होते हैं। और देखिए ये आलू उबल गए हैं, अब इनको फटाफट से छील लेती हूँ। और आज कुछ आलू के पराठे नहीं बनाऊंगी, आलू की सब्जी ही बनाने वाली हूँ सिंपल सी, क्योंकि आलू के पराठे बिना अभी एक दो बार बीच में मैंने बना लिए हैं, तो बार बार भी आलू के पराठे कब तक खाएं, तो ये लगता है कि लो आलू की सब्जी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो नमक का डब्बा है, ये नमक का डब्बा खाली हो गया है, तो इसमें मैं भर दूंगी नमक। तो
यहाँ पर सब्जी मेरी बना ली है मैंने, आलू मटर टमाटर की, और अब मैं जो है जितनी भी सारी रोटियाँ हैं वो सब बना लूँगी। और एक तरफ मैंने भृगु के लिए बिना मिर्च वाली सब्जी बनाई है, आज मैंने उसके लिए भी सब्जी बना करके रखी है, पराठा नहीं बनाया है। क्योंकि बहुत सारी बार हमेशा यही होता है कि जब भी आलू की सब्जी बनती ना, दोनों बच्चों के लिए मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, पर आज मैंने यही सोचा था कि नहीं, बच्चों के लिए भी सब्जी ही बनाएंगे, आलू का पराठा नहीं बनाएंगे। बार बार एक ही एक चीज़ नहीं खिलानी चाहिए बच्चों को। अच्छा, अभी बच्चों को खाना खिला दिया है, अब मैं अपनी थाली लगा लेती हूँ। इसमें है आलू की सब्जी और थोड़ा सा ना हलवा रखा हुआ था, तो उसी को मैं गरम कर रही हूँ। और ये है नमकीन जो दीदी के यहाँ से अभी लेकर के आई हूँ, तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे नमकीन खाने के साथ में खाना। और यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा अचार, ये अचार भी मैं अभी ही लेकर के आई हूँ, केरी वाला। अच्छा लगता है ये रेडीमेड वाला ही अचार है, घर का बना हुआ नहीं है, क्योंकि इस टाइम तक तो घर में जो अचार होते हैं ना वो ख़राब ही हो जाते हैं ज़्यादातर। तो रख लूँगी इसमें चपाती। तो यहाँ पर जो है मेरी सिंपल सी आज की डिनर थाली जो है बन करके तैयार हो गई है। अच्छा, खाना खाने के बाद वापस से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन के काम तो हमारे लेडीज़ों के ख़त्म होते ही नहीं है ना, जब तक के पूरा काम फ्री ना कर लो। तो जितनी भी सारी सब्जी है ये मैं निकाल करके बर्तनों को खाली कर लूँगी, और बर्तन तो सब सबको मैंने बताया रखा है कि बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं, कितना ही चाहूँ कि ना हो, पर फिर भी बर्तन तो होते ही होते हैं। ये मैंने मेरे साथ हमेशा हो ही जाता है कि मैं कितनी कोशिश कर लूँ कम बर्तन हो, पर फिर भी बर्तन तो होना ही है। तो थोड़ा सा मैं पानी गर्म कर रही हूँ बर्तनों को साफ़ करने के लिए। पानी गर्म करने से ये होता है थोड़ा सा कि बर्तन जो है फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे बर्तन हैं उनको मैंने क्लीन कर लिया है, और अब जितने भी सारे बर्तन हैं इनको मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। और सच में ठंडे ठंडे पानी में काम करना, अभी क्या करें अब सच में, पर यह है कि आप जैसी हैबिट बनाओगे वैसा हो जाएगा। अगर आप गर्म पानी से सारा काम करने लग जाओगे ना, फिर आप ठंडे पानी में कोई काम कर ही नहीं पाओगे। तो एक ही अच्छी बात है कि आप ठंडे पानी में भी करते रहें तो सही रहता है। तो यहाँ पर बर्तनों को कर लिया है क्लीन, और अब मिष्टी ने मांगा है च्यवनप्राश, तो मैं उसको दे दूंगी यहाँ पर च्यवनप्राश। अच्छा, यहाँ पर दोनों बच्चों का जो है दूध बना करके लेके आ गई हूँ, और सच में आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना, तो ये जो मेरा स्टॉल है ये मैं अपने कान से हटा ही नहीं रही हूँ। तो मिष्टी को यहाँ पर मैंने दूध दे दिया है, और रघु को पीना है दूध, और रघु जो है बॉटल से ही दूध पिएगा। मैं उससे बोल रही थी तो अपने अपने आप से पहले, पर वो नहीं पी रहा है। और आप प्लीज़ मुझे बताना कि बच्चों की बॉटल कैसे छुड़वाएं, उसकी ट्रिक भी आप मुझे बताइए कॉमेंट में कि मैं क्या करूँ जो मिस्टर रघु जो है बोतल से दूध पीना छोड़ दे। तो चलिए इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का हूँ एंड। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।